रहीम यार खान, रहीम यार खान क्या वो क्या होता है? बुरा तो है। शहर होता शहर है, होता है, कहाँ होता है? पंजाब में, बहुत से घर होते हैं। पंजाब कहाँ होता है? पंजाब पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान कहाँ होता है? पाकिस्तान दुनिया में होता है। दुनिया कहाँ होती है? अब ये अलग बता। ओके सर, ओके। निजामे शमसी में है दुनिया, और निजामे शमसी कहाँ है? वो है हमारी मिल्की वे में। मिल्की वे कहाँ है? हमारे 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 ये तो उर्दू भाई टीचर समझाती थी सब कुछ, जो कि हमारे पास नहीं पता था। यार उर्दू तो आनी चाहिए सही। अच्छा ऐवान जो होते हैं, ऐवान जैसे चौधरी अराई भी होते हैं, इस तरह ऐवान कोई और भी होते हैं, खोकर भी होते हैं ऐवान भाई होते होंगे, मुझे क्या पता है ऐवान के बारे में। क्यों तुम ऐवान? मैंने ये आईडी परचेज की है। चुप करो, मैं बात कर रही हूं। मैं कह रही हूं यार, हीर बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जैसी वो है वैसी वो है नहीं है ना। हाँ मुझे खुद समझ नहीं आया क्या चक्कर है ये, क्यों इस तरह कर रही है। शायद बिजी अपना कि पर्सनल रीजन उसका हो, लेकिन फिर भी अरे नहीं फिर भी वही इतना तो नहीं। और हमने कोई ऐसी बात भी नहीं कोई ऐसी की जैसे पहले भी, ये तो आज ही ऐसी बात तुम्हारी वजह से। तो मैंने क्या कर लिया? बताओ ना, बताओ। अरे बताओ, चुप करो, मैसेज पे बताओ, मैसेज पे यार। अब नहीं ना, मुझे मैसेज आने प्लीज 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 प्लीज। अरे मेरे कसम से मुझे नींद नहीं आएगी। बताओ मुझे ना ये बेचैनी रहती है। तो बात ना, चार बहन भाई हैं। कितने बहन कितने भाई? दो बहनें और दो भाई। अच्छा, ट्विन्स है? नहीं यार ट्विन्स है। खैर मैं वैसे बात भी करने के लिए होते हैं। अवान आप कितने बहन भाई हो? दो भाई। और आप नंबर क्यों दिया भाइयों में? खैरियत तो है भाईजान। इसने नंबर किसका दिया हुआ? आपने भाइयों में नंबर दिया अपना? अरे ये मेरी आईडी नहीं है, परचेज किया आज ही। कॉल करो इस पे, जरा कॉल करो, फोन उठाता है क्या? मैं कौन हूं तुम्हारा आईडी? जिसकी आईडी है उसकी होगी। बोल तो रहा है आवान। क्या मेरा नंबर थोड़ी है? फिर किसका है? लेट मी चेक। यहाँ क्या है? अभी बायो कहाँ है? असल में भाई ने अवान भाई ने डाला हुआ है, तो शायद किसी को तरस आ जाए। क्यों जैन भाई? ओ भाई माफ करो, ये मेरी आईडी नहीं है, ये मैंने किसी से दी है। यार ये आईडी वाला मजाक पता नहीं क्या है। आईडी मतलब कौन देता है अपनी? ओ भाई जो अब मेरी आईडी ओपन करो, जो तहसीन साथ खड़ा हुआ है वो है मेरी आईडी। मेरा नाम तहसीन है। चलो सही। तो ये पैसों की खरीदी है आपने? जी पैसों की खरीदी है। जी नहीं, प्रीम इसके घर आके ना इसको भी छोड़ गया। क्या स्टूपिड सवाल कर रहे हो? नहीं स्टूपिड सवाल नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल कर रहा हूँ आप तीनों से। जीन मेरी बात सुनो, मैं कुछ और लिख रहा हूँ भाई उसके बाद।
क्या मजा नहीं आ रहा मेरा, मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ पर खड़े हुए दफा हो जाओ यहाँ से। क्या मजा नहीं आ रहा उसके बाल गिर चिचोरा आदमी है, क्या चक्कर है। हेलो तुम्हें मेरा पॉइंट समझ आया, मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ आया ना, मैं वही क्या, मुझे नहीं समझ आया यार, वो लुक्स की बात करती है। लो तो फिर क्या है इसमें? तुम चुप कर ले, तुम इसलिए बता रही, तुम बहुत डिटेल बात पूछते हो यार। कसम मुझे समझ नहीं आई इस बात। अब सुनना, मैं दोबारा नहीं बता रही, दोबारा सवाल कोई किया ना, मैंने बाहर निकाल देना। हां हां बताओ। बिली जो है वो भी नहीं देखा, हमने देखा उसे जवाब नहीं देता, ठीक है ना? लेकिन हां बिल्लियां ही मिस्टी में ऑल दैट, क्योंकि सही ना, गुड लुकिंग, ठीक है। सही। अब उसने मुझे देखा, वो कहती थी चुप करो डेविल, चुप करो। तो वो कहती कि मीना जिन प्यारा है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं कभी इतनी गौर से नहीं देखा। लेकिन मुझे दिखाओ ना, मैंने कहा मैं किस तुम्हें क्या, या तो मैं सामने कह रही थी मीना, तो मुझे जिन की तस्वीर भेजनी है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद जब से तुम्हें देखा, समझ आई? अच्छा सही, समझ समझ गया, ठीक है। अच्छा अरे तो ये कहो ना बा, मैंने पता नहीं क्या मतलब इसका, अब समझ गया, ठीक। अब तुम्हें मैंने उस दिन कहा था कि बंदे की अगर यू नो पर्सनालिटी अच्छी ना हो, उसके लुक्स अच्छी ना, चीज़ लुक्स अच्छी ना हो तो पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही तुम्हें लुक्स नहीं चाहिए, वो गलत समझना, मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ। मैं गोल्डिंग मिस यूनिवर्स बैठी हुई हूँ, देखो पर्सनैलिटी तुम्हारी नहीं अच्छी, मैं जो सीधी सीधी बात है मैं कह रही हूँ, ठीक है, मुँह पे तुम्हारे के तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं अच्छी, उसको तुम्हारी अच्छी नहीं लगी, समझ आई? अरे नहीं, हेलो हसीब, वो तो खैर हर एक की अलग बात होती है। नहीं तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं अच्छी। नहीं मैं ये तो कैसे हसीब, चुप करो, कैसे हसीब, मेरे पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। क्यों आप हो कौन हो? जानते यार आप मुझे? नहीं हम नहीं जानते, आप हमने मुनो को नहीं जानते। ये कॉल है, हसीब बोल रही, मैंने नमूनों का नॉट रुपड़ों, अपनी असलियत क्यों बता रहे हो खुद? ये तो छोटा बच्चा है यार, मैं कह रही थी हाँ पर्सनालिटी की बात, मैं पर्सनालिटी नहीं अच्छी, जो बात है वो बात। अरे भाई ठीक है, मैं कौन से कह रहा हूँ, मैं कोई बात थोड़ी कर रहा हूँ इस बारे में, मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक की अपनी बता दी मुझे जो मेरे दिल में था। भाई मैंने ये बात नहीं पूछी, मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसको क्या मसला है अगर मैं नहीं भी हूँ, तुम बुला रही हो उसको, यही मसला है, तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं अच्छी यार, तुम्हें कोई पर्सनालिटी में तुम्हें कोई अट्रैक्शन? अरे भाई तुम समझ, तो मेरे से क्या ताल्लुक है उसका? मैं उसको प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ उससे, क्या? अच्छा है, अगर उसने नहीं आना तो तुम्हारे साथ तो आए ना, वो चुप कर जाओ, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आती? मेरे साथ यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, या तो मैं हूँ, मेरे से कोई मसला है, मेरे साथ आती है। तुम तो कह रहे मैंने बुलाया उसे नहीं आती। हाँ या ये हो सकता है कि मैं, सुनो मैं तुम्हारे साथ अकेले जब होती हूँ तो आती है। अच्छा सही है, मुझे तो जिन भाई है ना, इनका जो रहा जिंदगी का जो फोकस होगा ना, वो पर्सनैलिटी के ऊपर ही होगा। अब अरे नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, मैंने इसको बात, चुप, मैं बात कर रही हूँ।
मैं बात कर रही हूँ, मैं बकवास में भोंग रही हूँ, चुप कर, मैंने बाहर निकाल दिया कसम से। मेरी बात सुन, मैंने से पूछा कि मैं बता दूँ, उसने कहा हाँ बता दो, मुझे नहीं बुरा लगता, मिनटें की है इसने तुम्हारे सामने मेरी, मैंने बता दिया बस बात जो मेरे दिल में थी, मैंने कहा वही बात हीर को लेकर मेरी पर्सनैलिटी नहीं अच्छी, मेरी पर्सनैलिटी है ही नहीं अच्छी। अच्छी बात है, बता देना चाहिए। सुनो सुनो भाई, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, हीर की नजर से तुम मेरी नजर से देखो, तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं अच्छी भाई। ठीक है, मैं ये इस बात पे तो झगड़ा ही नहीं, कि मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ना कि हीर ने ऐसा क्या क्या कहा जो तुम्हें ना बुरा लगा। बस हीर को अच्छी लगी ना, कि तुम्हें अच्छी लगी, मैं तो जाहिर सी बात है मैं तो जैसा हूँ वैसे। वैसा बनो जो दूसरों को पसंद है, ठीक है? क्या क्या? वैसा बनो जो दूसरों को पसंद है, उसमें आप लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आपकी पर्सनालिटी की मिसालें दें। भाई मुझे कैसे देख लिया तुमने, कैसे देख लिया उसने, कहाँ से देख लिया, उसको मिला है मेरे से या फिर कोई ऐसे? मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मैं लुक्स की नहीं पर्सनालिटी की बात। अरे यार मैं यही तो बात कर रहा हूँ, पर्सनैलिटी ऐसे ही नहीं। सुनो सुनो, तुम सिर्फ अगर बात, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ पर्सनैलिटी ऐसे बात कर रहा हूँ कि पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है। आप जब किसी से मिलते हैं, बंदे से किसी के साथ उठते बैठते हैं, उससे पता चलता है बंदे की पर्सनैलिटी का, ठीक है? या मैंने तो उस आवाज कट रही है क्या? क्या रुको, रीस्टार्ट? नहीं नहीं नहीं, ठीक। अच्छा अच्छा रोनी, हेलो, आवाज आ रही? हेलो जी भाई, जी भाई। अरे कैसे हो रोनी, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चुप चुप बैठे हो यार, तुम भी बात कर लो। पहले आपकी पूरी हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, हम पेश कर लेंगे। हाँ हाँ ये हाँ हेलो, पीछे चला गया रोनी, आगे आगे रोनी। हेलो हेलो रोनी। हाँ अच्छा, क्या कह रही तुम? कुछ कह रही थी। हाँ मैं कह रही थी कि सुनो, एक इंसान होता है, ठीक है? उसकी इज्जत होती है, उसकी कीमत होती है। आपको इतना सस्ता नहीं होना चाहिए, इतना सस्ता नहीं होना चाहिए कि हर कोई आपकी कीमत, मतलब समझ रहे हो ना, हर कोई आपसे दोस्ती कर ले। और तुम उनमें से एक आते हो, तुम बहुत सस्ते। मैं मुंह पे कह रही हूँ, तुम बुरा मानो या ना मानो। भाई ठीक, मैं तो नहीं बुरा मान रहा क्या? अच्छा फिर आगे। हाँ बस 10 मिनट, तुम सस्ते हो, ठीक है? अरे मतलब इतनी सी बात है बस यार, ये बहुत बड़ी बात है। मर्जी है यार, मैं तुमसे एक मिनट बात सुनो, बात सुनो मेरी। मैं तुम्हें वैसे ही एक, तुम्हें अगर गलत फहमी इस बारे में, तो मैं तुम्हारे गलत फहमी, मैं वैसे ही एक बात तुम्हें बता रहा हूँ भाई। मैंने जिंदगी में ना, जिंदगी में किसी से दोस्ती नहीं की। मेरे लड़का, सुनो, मेरा लड़का भी, मेरा लड़का भी कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ मेरे कजन है और कोई नहीं, ठीक है? सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। अच्छा यार, जो लोग, मैं आपकी बात में बोल रहा हूँ, आपको शर्म नहीं आती? असल में आप, मुझे आ रही है। अच्छा आप असल में मुझे माजरा बता सकते हैं, माजरा क्या है? मेरी बात सुनो, मैं तथी रोनी, चुप करो, दिन अपने चोंच बंद रखना, मेरी बात सुनो। ये जो पाइजन इनकी जो पर्सनालिटी बात हो रही है, इनकी पर्सनालिटी मुझे नहीं, किसी लड़की को पसंद नहीं आती, इसलिए इनसे लड़कियां दोस्ती नहीं करती, दोस्ती नहीं करती, ठीक है? क्योंकि ये हर लड़की से दोस्ती कर लेते हैं, which is very सस्ता in my opinion, and it is very सस्ता, ठीक है? अभी कोई ऐसी मैं एक औरत हूँ, लड़की हूँ, दूसरा तो खैर हूँ नहीं, तो अगर मैं हर किसी ऐरे गहरे लड़के से दोस्ती करूँगी, आपकी नजर में मेरी इज्जत कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी 110%। तो मैं ये बकवास सुनाना चाह रही हूँ उसको 100 साल से, लेकिन ये नहीं समझ भाई। पहली बात तो ये बात पर्सनैलिटी पे नहीं आती, ये आती है आपके आदत पे, ठीक है? नहीं ये पर्सनैलिटी, सुनो, तुम्हें पर्सनैलिटी की पहले डेफिनेशन देख लो, पर्सनैलिटी क्या होती है। सुनो मैं कहीं, सुनो, अरे सुनो तो सही बात मेरी, इंटरनल पर्सनैलिटी, नॉट योर लुक्स। एक मिनट सुनो मेरी बात, एक मिनट सुनो, चलो अभी अभी बोलना ना कोई, मीना बात सुनो। ओके सर, तुम मेरे पास, पता सुनो, नहीं छोटा सही है, मेरे पास जो लिस्ट है ना, फ्रेंड लिस्ट, उसमें कितने लोग हैं? 200 लोग हैं, ठीक है? मेरा हमें 100 से ज्यादा उसमें लड़कियां होंगी। तुम यहाँ पे किसी को भी बुला लो, किसी एक लड़की को भी बुला लो, ठीक है? उससे ये पूछना है, कन्नास ने कभी तुम्हें लाइन मारी, कभी तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया, कभी तुम्हारे साथ फ्रैंक हुआ? सुनो एक मिनट, नहीं अब पूरी,
ठीक है, अगर वो ये बात कह दे, कोई एक लड़की भी ये बात कह दे ना कि ये घटिया या सस्ता बंदा है, मैं खुद आई सम पबजी छोड़ दूंगा, कोई एक बंदा भी कह दे, लड़कों में से या लड़कियों में से, ठीक है, ये होती है बंदे की अपनी इज्जत, ये होती है लोगों के दरमियान। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को दोस्त ही ना बनाए। दूसरी बात, मेरी दोस्ती उनसे कितनी है, ठीक है, सुनो, मेरी दोस्ती उनसे कितनी है, तुमने वो देख लिया मैं कितने किसके साथ होता हूँ लॉबी में। इवन तमीम भाई सुनो, इवन तमीम भाई, मुदस्सिर, ऐश, ये सब होते हैं, सिर्फ मैं तुम्हारी वजह से उनको, मैं कहता हूँ मैं 12 के बाद खेलूँ क्योंकि मीना 12 बजे के बाद चली जाती है, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों को सिर्फ इस वजह से पेंडिंग रखा। अगर ऐसी बात होती मैं हर एक के पीछे भाग रहा होता तो मैं हीर की तरह 4x4 में होता हर वक्त सबके साथ। अगर तुम्हारे ध्यान में ये बात है ना, सस्ता, हाँ सुनो, जरूरी नहीं यार आप हर लड़की पे लाइन मार के सस्ता बनो। अच्छा फिर बात करते हो आप उनको जिस तरह ऐड करते हो, आप लॉबी में कोई भी लड़की आती है कहते हो ओ माय गॉड मायरा ये, ओ माय गॉड ये आई, खुदा का खुदा का। मैं अगर सुनो, अगर मैं मजाक में ये बात करता हूँ इसका मतलब, सुनो एक मिनट सुनो, बात सुनो, तुम यहाँ पे लोगों के साथ बातचीत करती हो, ठीक है, मुझे पता है सारा कुछ मजाक में होता है, सही है, ये है कोई सीरियस यहाँ पे कोई मजाक में मैं कैसे बात करती हूँ भाई, तुम कर रही हो कि भाई चलो दफा हो जाओ, ये करोगे, मुझे पता है तुम बदतमीज नहीं हो इस मामले में, कि तुम असल में भी किसी के साथ ऐसे नहीं, सुनो असल में बदतमीज हो, और मैं तो भाई बदतमीज भी नहीं हूँ ना, मैं किसी के साथ इस तरह से फिर, मैं असल में जब सुनो पता है बुरी बात है, लेकिन मैं चलो ठीक है, चलो ठीक है, तुम होंगी ये तुम खुद कह रही हो, क्या अच्छी चीज भाई। अच्छा सुनो, ठरकी ठरकी सुनो, ठरकी होना किसे कहते हैं, सुनो एक मिनट, अच्छा सुनो, अगर मैं इस तरह कहूँ कि सुनो सुनो, मैंने तुम्हें भी किसी लड़की की आईडी दी कि यार इसकी आईडी चेक करो कैसी है लड़की, यार बड़ी खूबसूरत है, कभी दी तुम्हें, तुमने मुझे कितने लड़कों की आईडीज दी, तुमने बिल्ली को देखा, तुम सुनो सुनो, तुमने मुझे कितने लड़कों की आईडीज दी, रोज तुम 3-4 लड़कों की आईडी, यार कितना प्यार है इसको चेक करो इसके, नहीं 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 ये बात नहीं, अगर ये बात है ना, अगर ये बात है तुमने कितने लड़कों का यार ये प्यारा है मैं इसको ऐड कर लूं, की ना तुमने बात, नहीं नहीं मुझे बात बताओ की ना, पहले पहले मेरी बात सुनो, सुनो मैं बात करना ही चाहता था, अरे लानत भेजो यार, लानत भेजो प्यार, मैंने तो तुम्हें वो बात भी नहीं की, जो कि टॉम क्रूज आगे प्रपोज करेगा मैं उसको भी हारने के लिए सारा मजाक करती हूं तुम लोगों के साथ, मैं तुम्हें कह रही हूं भाई, मैं तो तुम्हारे पे इल्जाम नहीं लगा, मैं तुम्हारे पे इल्जाम नहीं लगा, सुनो मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, ठीक है, सुनो तुम मुझे रोज, मुझे भी हीर को भी सुनो 4-5 लड़कों के कहते इसकी रिक्वेस्ट है ऐड कर लो, मैंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम एक मैं भी कह सकता हूँ तुम ठरकी हो, मैं कह सकता हूँ, लेकिन अल्लाह माफ करे, मैं जैसा हूँ ना मैं दूसरे को अपने जैसा समझता हूँ, ठीक है, यार मैं अगर साफ दिल हूँ तो ये भी साफ दिल है, क्योंकि मैं दोस्त सिर्फ उसको बनाता हूँ मुझे जो बंदा पसंद आता है, मैं कब कह रहा हूँ भाई, मैं कब कह रहा हूँ अपने जैसे दूसरों को समझता हूँ भाई, मैं अगर मेरा दिल साफ है ना तो मैं दूसरे बंदे को अच्छा ही समझता हूँ, मैं अगर खुद अच्छा हूँ, अगर तुम हाँ नहीं ये बात नहीं है ना, अगर अगर तुम किसी के जाहिरी तौर पे किसी को देख के उसके दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, ठीक है, हाँ इनमें से एक हमारी रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, पता है इस बात, जीन भाई मेरी बात तो सुनो सुनो सुनो, एक मिनट चुप हो, जिन भाई जो बंदा अच्छा लगता हो ना, चाहे देखें उससे रिलेशन बहन का बन जाए, लवर का बन जाए, या जस्ट एक दोस्त हो, लड़की कुछ भी बन सकती है यूनिवर्सिटी में, या मतलब पबजी पे, आजकल तो वैसे पबजी पे बन जाती है, तो कोई भी रिलेशन हो ना उसके साथ अगर इंसान सिंसेयर है ना, तो औरत के मामले में मेरा मतलब ये मानना है कि उससे बहस नहीं करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अगर दोनों साइड पे गुस्सा आया तो उसको कंट्रोल करके बात को दबा दिया जाए, इसलिए अरे यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, यहाँ पे ऐसी आप दोनों के दिल में अगर कोई बात है दफा करो, चुप इधर मैं बाहर निकाल लूँ, चुप इधर रुक, हाँ बोलो, ये जिन जो है तुम्हारे से मुझे नमूना खड़ा हुआ है ब्लू शर्ट में, मेरा सिर्फ पबजी फ्रेंड है,
ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैंने आपको सारे रिलेशन बताए ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि लवर है, सॉरी मैंने कहा बहन भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकती है, लवर भी हो सकती है। देखो अच्छा दूसरे बात, तीनों रिलेशन मैंने आपको बताए। सुनो सुनो मीना बात सुनो, दूसरे के ऊपर सुनो, तुमने खुल के बात कर ली, ठीक है, अच्छी बात है। अरे सुनो तो अच्छी बात है, बंदा खुल के बात कर ले। देखो इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, मैं 10 बंदों पे इल्जाम लगा दूं, लेकिन मैं कैसा हूँ ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता। हाँ अगर मेरी हरकतें गंदी होंगी, मैं 2 नंबर बंदा होऊंगा तो 100 बंदों को पता होगा मेरे बारे में। तुम मेरी लिस्ट उठा लो, कोई किसी को बुला लो, मैं तुम्हें अपना आईडी देता हूँ, किसी बंदे को बुला लो मेरे बारे में। भाई खुदा के लिए तुम इस बात को समझो, लोग मुझे कहते हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, लड़कियां कहते हैं लड़के के भाई एक्सेप्ट कर लो। सुनो 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 बात उन्हें, अरे बात तो सुन लो, उन्हें मिलवाना होता है मुझे अपने दोस्तों से कि एक मिनट सुनो, फाइल कर बात सुनो, रोनी तुम भी बात सुनो, मैं भी तुम्हें एक चीज सुनाता हूँ, मैं ना तुम्हें चैलेंज कर दूं, तुम मुझे कहोगे यार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, अभी मैं सुनाता हूँ, ठीक है। अरे रोनी कैसे हो, और फेडो फैल्कन क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अगर तुम ना कहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुन रहे हो ठीक है सुन रहे हो बात जी, ये आवाज सुन के कौन नहीं कहेगा कि यार हमें फ्रेंड बुला रहा हूँ, हमने अपने दोस्तों से मिलवाना, ठीक है। लोग मुझे सिर्फ इस वजह से दोस्त बनाते हैं, और मैं उन्हें चैलेंज की, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब मुझे बताओ ये इस चीज को गलत वे में लेती है कि तेरी मैं ठग, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कभी किसी लड़की को, मैंने कभी किसी को लड़की को रिक्वेस्ट नहीं भेजी। जितनी हो ना मेरी आईडी में सबको बुला के पूछ लो, कोई कुत्ता होगा जो रिक्वेस्ट भेजता होगा लड़कियों, ठीक है। लड़कों की तो बात ही छोड़ दो, जो मेरे इस कल एक बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी थी, वही जो था अभी, क्या नाम था उसका, आलियान, तुम्हें भेजी ना, मैंने कहा मैं नहीं भेज रहा उसको रिक्वेस्ट, तुमने आईडी दिया कि भी ठीक है भेज दो, तो मतलब ये बात कर रहा हूँ, ये क्या बात समझाना ना भाई, मैं अगर ठरकी होता ना, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट है पता नहीं किसकी उसको भेजता, अगर वो खुद से भेज रही है। अच्छा दूसरी बात, इतने तुम्हारी आवाज और इतनी तुम्हारी पर्सनालिटी सस्ती है, तुम हर किसी को ऐड करके आवाजें सुनाते फिर रहे हो, ये क्या सीन है यार, ये तो अजीब बात है यार। देखो मेरी एक चीज है, मुझे शौक है, सुनो ठीक है हां तुम्हारी मर्जी, एक चीज है, नहीं मर्जी की बात नहीं, जो मर्जी की बात करे वो घटिया बंदा होता है, सही कह रहे हो, ठीक है। मैं बता, तुम कह रही हो ना सस्ता बात सुन, सस्ती भाई मेरे, मुझे एक चीज यहाँ पे अच्छा लगता है, लोगों से बातचीत करना, उनसे हंसी मजाक करना, सिर्फ एक उस पबजी के हद तक बस। मैं असल में ऐसा नहीं हूँ भाई कि मैं हर किसी से फ्री होता फिर हूँ, या मैं अपनी लड़की कजन से मैं बात तक नहीं आता। यस यस मीना, हेलो रोनी, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारी स्पीच में, जब बाहर निकाल दूँ क्या हुआ? हाँ हेलो, चुप करो जी, कौन, चुप कर जाओ। हाँ रोनी सुनो, जी मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? अगर वो भाई जिस लिहाज से बोल रहे हैं भाई में, तो वाकई टैलेंट है भाई में, भाई जो वॉइस रिकॉर्ड है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि हर किसी के सामने शोर नहीं करना चाहिए, मतलब इंसान को इतना सस्ता नहीं होना चाहिए कि हर किसी की रेपुटेशन होनी चाहिए, आपके पास एक ईगो, एक लिमिट होनी चाहिए, ये नहीं हर किसी के पीछे भागते जाओ। मैं एटीट्यूड होना चाहिए।